Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another and let's get started. So guys, welcome to the course. So let's go ahead with our lecture. And in the last lecture, we discussed so many protected areas. और इस लेक्चर में हम फ्लोरा और फौना जो हमारे न्यूज़ में हैं उनको हम देखेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था, कौन कौन से स्पीशीज़ न्यूज़ में थे और उनके बारे में कुछ कुछ जानते हैं. ठीक है, तो पहला आता है ब्लैक पैंथर. तो ब्लैक पैंथर बेसिकली नाम ही है इसका क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है ना, जैसे जैगुआर और बेसिकली इसको जैगुआर बोलते भी हैं, है ना. तो ये ब्लैक कलर होता किस लिए, ये होता मेलानिन की वजह से. तो आप देखोगे जिन जो लोगों का रंग बहुत ही काला होता है, है ना, डार्क होता है, डार्क कलर होता है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलानिन इन देयर बॉडी. तो मेलानिन क्या करता है, बेसिकली मेलानिन वो डार्क कलर इम्पार्ट करता है ना. तो इसीलिए जो ये ब्लैक पैंथर है इसमें भी इसका जो पिगमेंटेशन है, जो मेलानिन का पिगमेंटेशन है, वो उसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ब्लैक पैंथर. अब ये मिलता कहाँ है, ये मिलता है काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, तांदोबा आधरी नेशनल टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में. ये हमने सारे पिछले में डिस्कस किया था ना कि कहाँ कहाँ पर हैं ये. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्लैक पैंथर कहाँ कहाँ मिलता है, काबिनी में मिलता है, अंशी दंदेली में, नीलगिरीज का पार्ट है, तांदोबा आधरी जो कि हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी ब्लैक पैंथर मिलता है. कम से कम ये स्पीशीज़ तो याद रखो, है ना. दे हैव अ कोट ऑफ ब्लैक फर और लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक कलर इज ड्यू टू मेलानिन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. साल फॉरेस्ट टॉर्टराइज के बारे में बात करते हैं, है ना. तो ये साल फॉरेस्ट टॉर्टराइज कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार हो गया, है ना, वियतनाम, लाओस, इन सब जगह ये साल फॉरेस्ट टॉर्टराइज मिल जाएगा. थ्रेट वही है, देखो जितने भी ये स्पीशीज़ है ना, इनका थ्रेट जनरली होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, हंटिंग, पोचिंग, यही सब इनके मेजर थ्रेट्स होते हैं. तो थ्रेट्स को ना रटने की ज़रूरत नहीं है, है ना. जनरली क्या होता है कि इनको इनके स्किन के लिए हंट किया जाता है, फूड के लिए हंट किया जाता है, या फिर कोई इनका ऐसे सींग वगैरह होता है उनके लिए हंट किया जाता है. ठीक है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका थ्रेट होता है, हंटिंग, पोचिंग, यही सब मेजर रीजंस हैं इसके. ठीक है, तो ये सब नॉर्मल रीजंस हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है. और इसका IUCN स्टेटस बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. तो ये आपको याद रखना है, पहला बात डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है, और IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है साल फॉरेस्ट टॉर्टराइज. ठीक है, फिर इंडियन पैंगोलिन की बात करते हैं. तो पैंगोलिन इज़ अ स्केली एनिमल, है ना, और ये बिलीव किया जा रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है वो इसके ट्रेड की वजह से आया है, पैंगोलिन के ट्रेड की वजह से आया है, ऐसा न्यूज़ में चल रहा था. तो इंडियन पैंगोलिन बेसिकली आपको कहाँ का मिलता है, ये बांग्लादेश में मिलता है, इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है और श्रीलंका में मिलता है. हम इंडियन पैंगोलिन की बात कर रहे हैं, हम चाइनीज़ पैंगोलिन की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये मत सोचना कि कोरोना आया है तो पैंगोलिन से आया था, तो भाई चाइना तो इसमें मेंशन नहीं है, चाइना में चाइनीज़ पैंगोलिन मिलता है. ठीक है, तो इट इज़ अ स्केली एनिमल. ठीक है, इंडियन पैंगोलिन कहाँ कहाँ मिलता है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका. तो ऐसा भी मत सोच लेना कि इंडियन लिखा है तो सिर्फ इंडिया में होगा, है ना, ऐसा भी मत सोच लेना. तो ये मैं साहब आपको एंगल्स बता रहा हूँ जिस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं UPSC. ठीक है, ऐसे फंसाते हैं, उनका काम होता है फंसाना और आपसे क्वेश्चन गलत करवाना. तो फंसना नहीं है हमको, है ना. इंडियन लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी मिलता है. IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो इंडियन पैंगोलिन जो है हमारा वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है. ठीक है, और जो चाइनीज़ पैंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो इंडियन पैंगोलिन, तो पैंगोलिन इन जनरल इंडेंजर्ड है, ये याद रखना. चाइनीज़ पैंगोलिन सी से चाइना स्टार्ट हो रहा है और सी से क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ठीक है, तो ये चाइनीज़ पैंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन पैंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड है. दोनों ही शेड्यूल वन में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के. ठीक है, अगेन थ्रेट्स मैंने बताया, हंटिंग, पोचिंग सारे सिमिलर होते हैं थ्रेट्स सबके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कराकल के बारे में बात करते हैं. कराकल क्या है, ये एक कैट है, ये एक बेसिकली जंगली बिल्ली है, है ना, मीडियम साइज वाइल्ड कैट, है ना. कहाँ कहाँ मिलती है, राजस्थान और गुजरात में मिलती है, ये आपको याद रखना है. जंगली बिल्ली है, कहाँ मिलती है, राजस्थान और गुजरात में मिलती है. ठीक है, IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्नड है. ठीक है, क्योंकि लीस्ट कंसर्नड इसलिए है क्योंकि अफ्रीका में इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, तो अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और बेसिकली अभी रिसेंटली क्या हुआ है न्यूज़ में, इसलिए थी क्योंकि जो हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, उसने इसको इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ की लिस्ट है हमारी 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की, उसको इसमें डाला है। तो इनमें जो भी स्पीशीज़ है ना, उनके रिकवरी प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे कि हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन भी इसमें इनमें है, ये जो 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ अंडर रिकवरी प्रोग्राम है ना, इसमें है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, तो ये सब जो स्पीशीज़ हैं वो इसमें आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको बेसिकली और फोकस करके इनको बचाते हैं, इनकी स्पीशीज़ को बचाते हैं, ठीक है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये ध्यान रखना, ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने डाला है, IUCN ने नहीं डाला है। IUCN के स्टेटस में इसका लीस्ट कंसर्न स्टेटस ही है ना, काराकल का आपको याद रखना है, जंगली बिल्ली है, लीस्ट कंसर्न इसका IUCN है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसको रिकवरी प्रोग्राम के स्पीशीज के अंडर डाला है, ठीक है। खराई कैमल की बात करते हैं। अब हम खराई कैमल की अगर हम बात करें, इट इज़ अ यूनिक ब्रीड ऑफ कैमल फाउंड ओनली इन कच्छ एंड गुजरात, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है कैमल, पहली बात तो नाम में ही कैमल है, ठीक है। कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है, आपको याद रखना, गुजरात में मिलता है। और इसका खासियत क्या है, इसका खासियत ये है कि ये पानी में भी रह सकता है, ठीक है, ये पानी में स्विम भी कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो दे कैन स्विम अप टू 3 kilometers इन सी वाटर, ठीक है। फीड कहाँ करता है, सैलिन प्लांट्स और मैंग्रोव्स में, ठीक है। तो दोनों जगह रहता है, ये जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये इसका खासियत है, कहाँ मिलता है, गुजरात में, कच्छ में, कच्छ वाले रीजन में। और ये याद रखना, ओनली लिखा है इसमें, ठीक है, सिर्फ यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की बात है, ये सिर्फ गुजरात में ही कच्छ के रीजन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, खराई कैमल इज़ ओनली फाउंड इन कच्छ रीजन। उसके बाद गौर और इंडियन बिसन की बात करते हैं। क्या है इंडियन बिसन, क्या है ये, बेसिकली सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवीन है ना, बैल टाइप की, इतनी बड़ी सी रहती है ना, बैल टाइप की रहती है। तो वो ये बेसिकली सॉरी इसको बना देते हैं थोड़ा ना, ऐसे लग रहा है मछली है ये, नहीं हटा उसको। हाँ, गौर और इंडियन बिसन कहाँ मिलता है, ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवीन है, ठीक है। कहाँ मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, ये आपको याद रखना है, इंडियन बिसन और गौर, और ये याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवीन है, बस यही दोनों याद रखना है। उसके बाद आते हैं ढोल और एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में बात करते हैं। ढोल को क्या बोलते हैं हम, ढोल वो ढोलक वाला नहीं है, ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ये, ठीक है। क्या है ये, प्रेडेटर है, मतलब दूसरों को मार के खाता है, ठीक है, प्रेडेटर है। हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलेगा, ये बेसिकली आपको डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा, एल्पाइन रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका नंबर है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ढोल मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। और इसका क्रिटिकल IUCN स्टेटस क्या है, ये इंडेंजर्ड है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। अभी हमने जब पिछले लेक्चर में वो पढ़ा था नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख रहे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी जगह ये स्पीशीज़ आया था ढोल, है ना। तो सिंस इंडेंजर्ड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पीछे जाके एक बार रिवाइज कर लेना कि ये ढोल कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से पार्क्स में मिलता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। अभी सबसे ऐसे कौन से 3 states हैं जो सबसे ज़्यादा इसको कंजर्व कर रहे हैं अभी, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। दे रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोल, ठीक है। तो ये जो 3 states हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा इसको कंजर्व कर रहे हैं अभी, ध्यान रखना, इंडेंजर्ड है। आगे बढ़ते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर की बात करते हैं। अब हिमालयन लिखा है तो कहाँ मिलेगा, हिमालयस में ही मिलेगा। अब कहाँ और नेशनल पार्क कौन सा होगा, उसमें भी हिमालय होगा, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये मिलता है, ठीक है। नाम से ही देख लो, हिमालयन है तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलेगा, है ना। बियर है, ठीक है, और बियर तो होते हैं कार्निवोरस होते हैं ना, तो ये कार्निवोरस है, ठीक है। उसके बाद क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, नहीं सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, ये आपको नेपाल और पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, माउंटेन्स के जो माउंटेन्स में बेसिकली आपको मिल जाएगा। हिमालयन लिखा तो हिमालयस में कहीं भी मिल जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, इंडिया में ये मिलता है ना। इंडिया में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है ये, इंडेंजर्ड, ठीक है। तो हिमालयन ब्राउन बियर क्या है, इट इज़ इंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। पोलर बियर्स की बात करते हैं। पोलर बियर्स का स्टेटस, IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है ना, दे आर वल्नरेबल, दे रिलाई ऑन आर्कटिक आइस टू हंट फॉर सील्स एंड दे हैव बीन एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। आप देखो ये पोलर बियर्स क्या होता है ना, ये इनका खाना होता है सील्स, जो सील होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो समर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो आइस पिघलती है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे जाते हैं इसके ऊपर ये आइस शेल्फ के ऊपर, और वहाँ से ये सील्स को बेसिकली खाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट हो रही है, आइस रहती नहीं है इनके जाने के लिए, है ना। तो ये इनको बेसिकली दिक्कत हो रही है ना, तो इनका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है।
अब प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं तो प्लांट स्पीशीज में सबसे पहला कौन सा है? पिनाका अंडमानेसिस। अब नाम में देखो, नाम में क्या लिखा है? अंडमान, अंडमान दिख रहा है नाम में, तो ये अंडमान का नाम से ही पता चल जाएगा, बहुत ही जनरल है। अंडमान है तो कहाँ मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा, ठीक है। तो पिनाका अंडमानेसिस बेसिकली कहाँ मिलता है आपका? अंडमान में मिलता है। कौन सा कहाँ, कौन सा नेशनल पार्क है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क में मिलता है, साउथ अंडमान में। ये भी आपको याद रखना है कि जो माउंट हैरियट है ये कहाँ है? साउथ अंडमान में, ठीक है। क्या है ये? रियल रियल पाम है, ठीक है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि सिर्फ ये यहीं मिलता है, अंडमान में ही मिलता है और कहीं मिलता है, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पिनाका अंडमानेसिस, ठीक है। तो इट्स एंटायर पॉपुलेशन नेचुरली अकर्स इन टाइनी, ओनली इन टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉकेट्स इन साउथ अंडमान। तो ध्यान रखना कि सिर्फ साउथ अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पाम ट्री है, ठीक है। बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पाइप वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पाइप वर्ड्स है क्या बेसिकली? है क्या पाइप वर्ड्स? इज बेसिकली अ प्लांट ग्रो है ना, विच कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन अ स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग मानसून। तो मानसून के पीरियड में ये पूरा उगता भी है और ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो बर्थ से डेथ तक का पूरा सफ़र इसका मानसून में ही हो जाता है। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नए दो नए स्पीशीज़ इसके मिले हैं। कहाँ मिले? महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ठीक है। अब पाइप वर्ड्स का इन जनरल हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमको कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। 70% आपको यहीं मिलेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिमालयन ट्रिलियम की बात करते हैं। हिमालयन ट्रिलियम क्या है? ये एक हर्ब है, हर्ब मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं बेसिकली, ठीक है। हर्ब है ये, कहाँ कहाँ मिलता है? बेसिकली अल्पाइन जोन्स में मिलता है, टेम्परेट और अल्पाइन जोन, जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ मिलता है, ठीक है। हिमालयाज के टेम्परेट और अल्पाइन जोन में मिलता है। क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलता है? नहीं, इंडिया में नहीं मिलता है, हिमालय के जितने रीजन्स हैं वहाँ मिल जाएगा आपको, जैसे इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ सब आपको मिल जाएगा। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा? हिमालय वाले रीजन में, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, यही सब है हिमालय, तो यहीं सब मिलेगा आपको हिमालयन ट्रिलियम, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। उसके बाद ब्रह्मा कमल फ्लावर की बात करते हैं। अब देखो नाम में क्या है? ब्रह्मा जी का नाम है ना, तो ये बेसिकली इसको नाम कैसे दिया होगा? उन गॉड के ऊपर नाम होगा, ब्रह्मा गॉड है, उनके ऊपर नाम है, तो उन्हीं के ऊपर है ये, ठीक है। अब इसकी खासियत ये है ब्रह्मा कमल फ्लावर की, पहली बात तो ये कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार उगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ब्लॉसम्स जस्ट वंस अ ईयर, ठीक है, एंड इज़ नोन टू ब्लूम आफ्टर सनसेट। तो सनसेट जब सनसेट हो जाता है ना, उसके बाद ये खिलता है फ्लावर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं वो सनराइज पे खिलते हैं, ये सनसेट पे खिलता है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद एक्वाटिक स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो एक्वाटिक स्पीशीज़ में सबसे पहला आता है घड़ियाल्स। तो घड़ियाल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये घड़ियाल्स क्या होते हैं? लॉन्ग स्नाउटेड, ऐसे इनका लॉन्ग सा स्नाउट होता है ना, कभी देखा हो घड़ियाल को तो ऐसे लॉन्ग सा स्नाउट होता है इनका, है ना, और ऐसे होते हैं, कभी देखना घड़ियाल को, इस टाइप से होता है, बहुत ही लंबा स्नाउट होता है इसका, है ना। तो घड़ियाल्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? बेसिकली चंबल रिवर में मिलते हैं, रामगंगा रिवर में मिलते हैं, गिरवा रिवर में मिलते हैं और सोन रिवर में मिलते हैं, ठीक है। तो गिरवा रिवर कहाँ से पास करती है? कटन नायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास करती है। कटन नायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यूपी में है। रामगंगा रिवर कहाँ से पास करती है? जिम कॉर्बेट से पास करती है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। सोन रिवर कहाँ से पास करती है? अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है बेसिकली, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपको क्या इसमें देखो, जो ब्लैक में लिखा है वो सब आपको याद रखना है कि क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चंबल रिवर, रामगंगा रिवर, सोन रिवर, गिरवा रिवर, इन सब में ये मिलता है। गिरवा रिवर कहाँ से पास करती है? कटन नायगढ़ से। कहाँ पर है कटन नायगढ़? यूपी में है, ठीक है। रामगंगा जिम कॉर्बेट से करती है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसके बाकी जो स्पीशीज़ है, जो आपका एक आता है मगर, है ना, मगर भी मिलता है आपका, और एक कौन सा दूसरा कौन सा है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ लीस्ट कंसर्न, है ना, और मगर का IUCN क्या है? वल्नरेबल है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, कि मगर जो है वो वल्नरेबल है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो लीस्ट कंसर्न है। फिर आगे बढ़ते हैं, ड्यूगोंग की बात करते हैं। ड्यूगोंग क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा एक्वाटिक एनिमल है जो हर्बीवोरस है ना, ये सी ग्रास खाता है बेसिकली, वर्ल्ड्स ओनली वेजिटेरियन मरीन मैमल। तो ये ध्यान रखना, दुनिया का इकलौता ऐसा एक्वाटिक स्पीशीज़ है जो हर्बीवोरस है बेसिकली, सिर्फ वेजिटेरियन है, है ना, तो ये नॉन वेज नहीं खाता है, ठीक है, मतलब कार्निवोरस नहीं है। कहाँ मिलता है ये बेसिकली? ये मिलता है आपके वार्म कोस्टल वाटर्स में, कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका से लेकर आपके ये रेड सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा। IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। याद रखना ड्यूगोंग का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बैग मशीर की बात करते हैं। मशीर क्या है? मशीर एक फ़िश होती है, ठीक है। तो हम बैग मशीर इज़ बेसिकली अ फ्रेश वाटर फिश, एंडेमिक है किसमें? कावेरी बेसिन में आपको मिल जाएगी ये। कावेरी बेसिन कहाँ कहाँ स्प्रेड करता है? आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से स्प्रेड होता है पूरा। तो यहाँ पे इस बेसन में आपको मिल जाएगी क्या? हम बैक मशीर, इसको फेमसली टाइगर ऑफ द वाटर भी बोलते हैं, सॉरी, इसको बेसिकली टाइगर ऑफ वाटर भी बोलते हैं।
IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। हमबैक मछली क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। फ्रेश वाटर फिश है, एंडेमिक है, कहाँ, कावेरी में मिलती है, टाइगर ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पे आते हैं, क्या है, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। अब ये बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश क्या है, स्कॉर्पियन क्या है, ये स्कॉर्पियन क्या करेगा, स्कॉर्पियन अपना जहर देगा, है ना, जहर देता है स्कॉर्पियन, सॉरी स्कॉर्पियन फिश। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपको जहर देती है, मतलब वेनम होता है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, है ना, इसके स्पाइंस में, ठीक है। उसके बाद ये मिलती कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इंडिया, साउथ पैसिफिक ओशन और टेम्परेट वाटर्स में इसको पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको कहाँ कहाँ मिलती है, इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशंस में और टेम्परेट वाटर्स में, गल्फ ऑफ मन्नार में, इंडिया में मिलती है, ठीक है। कोकोलिथोफोर्स, कोकोलिथोफोर्स क्या है, कोकोलिथोफोर्स बेसिकली एक सिंगल सेल्ड एल्गे ही है, ठीक है। सिंगल सेल, आपको बस इतना याद रखना है, सिंगल सेल्ड एल्गे ही, और ये कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं किसको, फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, कोकोलिथोफोर्स क्या है, सिंगल सेल्ड एल्गे ही हैं और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोडेंट्स इंसेक्ट्स की बात करते हैं। अब इसमें पहला आता है कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेबेल और ऑरेंज ओकली। तो ये क्या है, किस चीज़ की स्पीशीज़ है, ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो पिछले साल 2020 में यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कुछ एक बर्ड की स्पीशीज़ दे दी थी, उसमें था एक रेड स्टार्ट, है ना, रेड स्टार्ट और दो तीन स्पीशीज़ थी, और पूछा था ये क्या है, जैसा बर्ड स्पीशीज़ मैमल है, है ना, पता, तीन चार और चीज़ें दे दी थी, कुछ कुछ है, ठीक है। तो फ्रॉग की स्पीशीज़ है क्या है, तो उसमें रेड स्टार्ट इज़ बेसिकली अ बर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं हम, देखो ऐसा है, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेबेल। अब पीकॉक लिखा है, आप सोचोगे यार पीकॉक है तो पीकॉक होगी, बटरफ्लाई कैसे हो सकती है ना, तो बटरफ्लाई तो आपके दिमाग से हट जाएगा। फिर नीचे लिखा है ओक लीफ, तो आप सोचोगे यार ये ओक लीफ जो है ये तो कुछ प्लांट से रिलेटेड होना चाहिए ना, तो बटरफ्लाई तो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा इसको देख के, अगर सिर्फ नाम पे ऊपर जाओगे तो, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये याद रखना है कि कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेबेल और ऑरेंज लीफ क्या है, ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है। और कृष्णा पीकॉक हमको कहाँ मिलती है, ये हिमालयाज में मिलती है, ठीक है। उसके बाद इंडियन जेबेल जो है, इसका क्या होता है ना, इंडियन जेबेल क्या करती है, ये बेसिकली इसका एक खासियत ये है कि इसका जो वो होता है ना, पंख होता है, ये पंख, अब इसके पंख बहुत ही ब्राइट कलर्स के होते हैं, तो ये पंख को ऐसे फैला के अपने जो उसको खाते हैं ना प्रेडेटर्स, उनको दूर भगाती है, ठीक है। ऐसे काफ़ी ठीक दिखते हैं इसके वो फ्लैशी विंग्स होते हैं, मतलब, है ना, तो ऐसे सनलाइट इस पर पड़ती है तो फ्लैश मारती है ऐसे पीछे, तो इनको, इनकी आईसाइट वीक हो जाती है उससे, ठीक है। तो ये लोग इसको खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका खासियत है इंडियन जेबेल का। और फिर है ऑरेंज ओक लीफ, ऑरेंज ओक लीफ, इसको लीफ क्यों बोलते हैं, ओक लीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक, मतलब जैसे डेड लीफ का कलर होता है ना, डेड लीफ आपने देखा होगा ब्राउनिश कलर की हो जाती है, तो उस टाइप का ये यू नो कलर ले लेती है, मतलब उसी पत्तों में जाके, उसी डेड लीव्स में जाके उसी का कलर ले लेती, कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं ना, उसी का कलर ले लेती ताकि प्रेडेटर्स उसको पहचान ही ना पाएँ, ठीक है। इट इज़ नोन एज डेड लीफ एंड इट्स एबिलिटी टू कैमोफ्लेज एज अ ड्राई ऑटम लीफ, ठीक है। तो वैसे ये अपना कलर चेंज कर लेती है। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेबेल और ऑरेंज ओक लीफ क्या है, बटरफ्लाई की स्पीशीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जॉइंट स्क्वायरल की बात करते हैं, मलायन जॉइंट स्क्वायरल। तो सबसे पहले ये मिलती कहाँ है, ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मिलती है। IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड कैटेगरी में आती है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। गोल्डन बर्ड विंग के बारे में बात करते हैं। गोल्डन बर्ड विंग न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि अभी ये सबसे लार्जेस्ट यू नो बटरफ्लाई बन गई है, ठीक है। पहले कौन थी, पहले सदर्न बर्ड विंग थी, ठीक है, पहले सदर्न बर्ड विंग थी, वो सबसे ज़्यादा थी, अभी ये गोल्डन बर्ड विंग बन गई है। इसका एक्चुअली जो इसका ये पंख का स्पैन है वो शायद 196 mm के आसपास है, एक बार देख लेना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना mm का स्पैन है, बट बस ये याद रखना कि अभी सबसे क्या है, अभी ये बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट यू नो बटरफ्लाई बन गई है, ठीक है, सॉरी इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई हो गई है ये, ठीक है। पहले साउथवर्ड बर्ड विंग थी, हिमालयन बटरफ्लाई है। कहाँ कहाँ मिलती है ये, उत्तराखंड में मिलती है और मेघालय में मिलती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कहाँ मिलती है, दीघात में, ये दीघात के उत्तराखंड के रीजन में मिलती है, और वंखर बटरफ्लाई म्यूजियम जो है जो शिलोंग में है मेघालय में, है ना, वहाँ पे ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अमूर फैल्कन की, ठीक है। तो अमूर फैल्कन क्या है, अमूर फैल्कन एक रैप्टर है, कहाँ से आता है, साइबेरिया से आता है, साइबेरिया में बेसिकली ये ब्रीड करता है और नॉर्दर्न चाइना में मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर ये विंटर में कहाँ माइग्रेट करके वहाँ साइबेरिया से, मतलब ये जो चाइना वाला रीजन है साइबेरिया ऊपर रशिया वाला, यहाँ से माइग्रेट करके ये अफ्रीका में जाता है, ठीक है। तो और फिर ना अब देखो यहाँ रशिया किधर है, ये इंडिया है अपना, है ना, ये इंडिया है, अफ्रीका इधर है अपना, है ना, अफ्रीका इधर है और चाइना और रशिया इस साइड है। तो यहाँ से जब ये जाएगा तो बीच में इंडिया में रुकेगा, है ना, फिर यहाँ जाएगा, तो ये लोग क्या है यहाँ पर रुकते हैं बीच में, ठीक है। अमूर फैल्कन, तो ये जहाँ पर रुकते हैं ना वो क्या नाम है उसका, दोयांग लेक इन नागालैंड। तो ये ध्यान रखना, दोयांग लेक जो नागालैंड में है, इट इज़ अ स्टॉप ओवर फॉर अमूर फैल्कन जब वो माइग्रेट करते हैं चाइना से अपने अफ्रीका की तरफ, ठीक है। तो
तो ये जहाँ पे लोकेटेड है ना, ये पंक्ति विलेज नाम है उसका, इसको हम अमूर फैल्कन कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमूर फैल्कन इधर आते हैं जब माइग्रेट करते हैं विंटर में, तो बहुत सारे अमूर फैल्कन आते हैं। तो आपको याद रखना है ये नागालैंड में रुकते हैं, पंक्ति विलेज का नाम है, और दोयांग लेक जहाँ पे मतलब पानी वानी पीते होंगे ना, रेस्ट करते होंगे, एक रेस्टोरेंट टाइप का है इनके लिए, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है, IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नारकोदम हॉर्नबिल की बात करते हैं। नारकोदम हॉर्नबिल क्या है? ये बेसिकली आपको नाम में ही पता चला है, नारकोदम वॉल्केनिक आइलैंड है बेसिकली, कहाँ पे है? अंडमान में, ठीक है। तो ये जो नारकोदम वॉल्केनिक आइलैंड है, ये आपको अंडमान में मिल जाएगा, वहाँ पे ये बेसिकली मिलती है, ठीक है। IUCN स्टेटस का इंडेंजर्ड है ना। और ये हॉर्नबिल क्या करती है? सिर्फ फ्रूट्स खाती है, फ्रूट्स और फ्रूजीवोरस है बेसिकली, फ्रूट्स और बेरीज खाती है, ठीक है। हॉर्नबिल्स को हम फॉरेस्ट के इंजीनियर्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? या फिर इसको हम फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई देखो, फार्मर का काम क्या होता है? फार्मर क्या करता है? सीड्स को डिस्पर्स करता है ताकि यू नो क्रॉप ग्रो हो पाए, है ना, प्लांट्स ग्रो हो पाए, फ्लावर्स ग्रो हो पाए, यही फार्मर करता है। तो वो काम बेसिकली कौन कर देती है? हॉर्नबिल कर देती है। तो हॉर्नबिल बेसिकली सीड को डिस्पर्स करने का काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट इंजीनियर या फिर फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर एजुकेट स्टॉक की बात करते हैं। तो ग्रेटर एजुकेट स्टॉक जो है, पहले तो IUCN स्टेटस देख लो, ये भी हमने पिछले जो लेक्चर में हमने नेशनल पार्क डिस्कस किए थे उसमें देखा था कि ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड है, याद रख लेना कहाँ कहाँ मिलती है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडेंजर्ड है, इसके सिर्फ 3 ब्रीडिंग ग्राउंड है वर्ल्ड में। कहाँ कहाँ है? एक इंडिया में, कंबोडिया में, 2 इंडिया में और 1 कंबोडिया में। इंडिया में आसाम और बिहार में है, और कंबोडिया 1 कंबोडिया में, जिसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसाम और बिहार में मिलती है और 1 कंबोडिया में मिलती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, ठीक है, ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्लू थ्रोटेड मकाओ की बात करते हैं। ब्लू थ्रोटेड मकाओ क्या है? ये पहली बात तो मकाओ है क्या? ये एक पैरट है, ठीक है, ये एक पैरट है। मिलता है कहाँ कहाँ है? फॉरेस्ट में, सवाना में, ग्रासलैंड में मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये ध्यान रखना, ब्लू थ्रोटेड मकाओ इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। स्पेशली जो ये इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले स्पीशीज है ना, ये तो याद ही रखा करो, क्योंकि जनरली UPSC का फोकस भी यही रहता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछें, मतलब जो जिस पे कंसर्न ज़्यादा हो, है ना, जनरली बोला है। ऐसा नहीं है कि अब आ गया कोई लीज कंसर्न वाला तो बोलोगे कि यार पूछते तो है नहीं, कैसे पूछ लिया, है ना, ऐसा नहीं है, मैं पेपर सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ब्लू थ्रोटेड मकाओ क्या करता है? ब्लू थ्रोटेड मकाओ क्या है? पैरट है। ये कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में, सवाना में और ग्रासलैंड्स में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये याद रखना। उसके बाद साइबेरियन प्रिमरोज, ठीक है। साइबेरियन प्रिमरोज क्या है? ये बेसिकली आपको अब देखो, साइबेरियन नाम है तो कहाँ मिलेगा? उसी रीजन में मिलेगा, यहाँ ऊपर कहीं मिलेगा जहाँ ठंडी बहुत होती है। साइबेरिया में ठंडी बहुत होती है ना, तो साइबेरिया के उसी रीजन से मिलता है। तो वहाँ की जो कंट्रीज़ होती हैं उसको हम नॉर्डिक कंट्रीज़ बोलते हैं। नॉर्डिक क्यों बोलते हैं? नॉर्डिक क्यों बोलते हैं बताओ मेरे को, नॉर्डिक का क्या सेंस है? क्या नॉर्डिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? NO इज़ फॉर नॉर्वे, ठीक है। NOR इज़ फॉर नॉर्वे, है ना। नॉर्डिक, डिक मतलब डी फॉर डेनमार्क, है ना, आई फॉर IC फॉर आइसलैंड, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज इसमें होती है, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, और इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड भी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो जो साइबेरियन प्रिमरोज है वो बेसिकली एंडेमिक होता है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। नॉर्डिक कंट्रीज याद रखना, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, ठीक है। ये सी शोर मीडोज के आसपास ग्रो करता है, बस यही आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विलो वार्बलर के बारे में बात करते हैं। ये विलो वार्बलर क्या है? ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि पहली बार इसको तिरुवनंतपुरम में साइट किया गया है, ठीक है। जनरली ये यूरोपियन रीजन्स में रहता है, यूरोपियंस और पेल आर्टिक रीजन जो होते हैं वो ठंडी वाले, है ना, वहाँ पे रहता है। और ये बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, माइग्रेट करता है विंटर्स के टाइम इधर अफ्रीकन रीजन्स में, ठीक है। तो हो सकता है माइग्रेट करते करते तिरुवनंतपुरम में रुक गया हुआ, है ना, ऐसे डिटूर ले लिया उसने। तो यही है बेसिकली, अफ्रीका में जाता है माइग्रेट करके, है ना। अभी तिरुवनंतपुरम में इसको स्पॉट किया गया था। IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। तो ध्यान रखना क्या IUCN स्टेटस है? लीस्ट कंसर्न। उसके बाद आगे इन्वेजिव स्पीशीज की बात कर लेते हैं। वाइट ग्रब इंसेक्ट लावे, वाइट ग्रब इंसेक्ट लावे क्या है? ये बेसिकली एक पेस्ट है जो शुगर केन की क्रॉप को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली येलो कर देता है और विल्टिंग कर देता है लीव्स की। विल्टिंग मतलब जैसे कि बहुत ड्राई हो जाती है ना जब लीव, मान लो किसी लीव को आप हीट कर दो बहुत ज़्यादा, सनलाइट उससे पड़ रही, तो वो उससे सारा पानी वानी निकल जाता है और बहुत ही बेकार सी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो ये ऐसे डैमेज कॉज कर देता है, और फिर जो शुगर केन का बेस होता है, है ना, उसको भी ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये एक क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज़ है। उसके बाद चारू मुसल की बात करते हैं। चारू मुसल क्या है? एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। कहाँ पे मिलता है? साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट में मिलता है। अभी ये स्प्रेड हो गया बैक वाटर्स में, क्योंकि शायद एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन का नाम याद नहीं है मेरे को, ओखना करके कुछ साइक्लोन था,
है ना, उसकी वजह से ये साइक्लोन की वजह से ये सारे इधर आ गए थे केरला के बैक वाटर्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखना है, ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है जो वाटर क्वालिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है, याद रखना है। एक इंडिकेटर भी है ये और एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। उसके बाद वूली वाइट फ्लाई क्या है, एक इन्वेसिव एक्जॉटिक स्पीशीज़ है ना, पेस्ट है बेसिकली ये, कैरेबिया जो कैरिबियन रीजन है, वेस्ट इंडियंस और इधर वाले रीजन है ना, वहाँ से आता है ये, ठीक है। एंड फीड्स ऑन पॉलीफेगस, मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ ये प्रोडक्ट खाता है, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।